यूनान के महान दार्शनिक सुकरात दिखने में अच्छे नहीं थे। एक दिन वो अपने कक्ष में बैठकर आईने में अपना चेहरा बहुत ध्यान से देख रहे थे। इसी दौरान उनका एक शिष्य कक्ष में आ गया और उसने सुकरात को बहुत देर तक खुद को निहारते देखा। सुकरात जब बहुत देर तक खुद को आईने में देखते रहे तो उसे हंसी आ गई। सुकरात ने जब हंसी की आवाज़ सुनी तो उनका ध्यान बटा। वे समझ गए कि उनके शिष्य के दिमाग में क्या चल रहा है। सुकरात ने पलटकर कहा, मैं तुम्हारी हंसी का मतलब खूब समझता हूँ। तुम यही सोच रहे होंगे कि मुझ जैसा कुरूप शख्स इतनी देर तक आईने में क्या देख रहा है। सुकरात की बात सुनकर शिष्य शर्मिंदा हो गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। तब सुकरात ने पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो मैं आईने में इतने ध्यान से क्या देख रहा था। शिष्य कुछ नहीं बोला, लेकिन सुकरात अपनी धुन में बोलते चले गए, मैं रोज़ आईने में अपनी कुरूपता देखता हूँ और विचार करता हूँ कि मैं हमेशा अच्छे कर्म करूँ ताकि मेरे अच्छे कर्म मेरी कुरूपता को ढक सके। शिष्य सुकरात के विचार जानकर बहुत प्रभावित हुआ, किंतु उसके मन में एक शंका उठ खड़ी हुई। उसके निवारण के लिए उसने पूछा, गुरुजी फिर सुंदर लोग आईना क्यों देखते हैं, उन्हें तो इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सुकरात ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है, सुंदर लोगों को आईना अवश्य देखना चाहिए और अपना सुंदर चेहरा देखकर यह सोचना चाहिए कि जितने सुंदर वे हैं उतने ही सुंदर और अच्छे कर्म वे करें ताकि बुरे कर्म उनकी सुंदरता को ढक न सकें और अपने कर्मों के कारण वे कुरूप न कहलाए जाएं। सुकरात का उत्तर सुनकर शिष्य की शंका का समाधान हो गया और साथ ही उसके मन में अपने गुरु के प्रति सम्मान और बढ़ गया। दोस्तों, शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक मन और विचारों की सुंदरता होती है, इसीलिए अच्छे मन से हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।